है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। इसमें कुछ और होना चाहिए, जैसे किसी का मरण अभी होना है, लगभग वैद्यों ने और डॉक्टरों ने अघोषित मृत्यु कर दी है, किंतु घोषित क्यों नहीं किया यह प्रश्न उठता है। जब आत्मा उसमें है या नहीं है तो उस व्यक्ति को, क्योंकि वो उसी व्यक्ति की मृत्यु होनी है, जब उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित जैसी हो गई फिर अघोषित मृत्यु क्यों? हमने सुना विज्ञान को बाध्य कर दिया गया है, एकदम तुम मृत्यु घोषित नहीं कर सकते। वह तत्व कौन है? न आंखों से देखने में मिल रहा और न ही उसकी कोई आवाज, न ही उसकी कोई आकार प्रकाश, और न ही कि उसके माध्यम से कोई मांग, किंतु यह निश्चित है उस व्यक्ति को घोषित नहीं किया गया किंतु उसी ओर है। एक बात आप सोचे या न सोचे, और आपको फुर्सत भी कहां सोचने के लिए, लेकिन जहां ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, वहां अवश्य यह मंथन अवश्य चलता रहता है। वह व्यक्ति पढ़े या न पढ़े, विद्वान हो या न हो, कोई उपाधि उसे प्राप्त हो या न हो, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिन चिन्हों को देख करके मनुष्य को बाध्य होना पड़ता है, और बाध्य ऐसा होना पड़ता है कि उसकी क्या शक्ल है, उसका रूप स्वरूप क्या है, कुछ न कुछ वह अवश्य समय निकाल देता है। शरीर की बात नहीं करते हैं कई लोग, शरीर की बात भी करते हैं, लेकिन सबके साथ विज्ञान अवश्य लगाया जाता है। कभी कभी सुनते हैं विशेष, या कभी कभी कहते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य में भी विज्ञान आ गया, विशेष में भी विज्ञान आ गया, और वैज्ञानिकों की खोज भी विज्ञान के साथ ही चल रही है। दूसरी कक्षा में पढ़ता था उस समय सामान्य विज्ञान था, जो कुछ था उसको सुना, ये यहाँ तो ज्ञान की बात हो रही है और विशेष ज्ञान की भी हो रही है। विज्ञान कहो, अपने आप में ज्ञान के पीछे भी उपसर्ग लगा हुआ है, इससे ही पर्याप्त था, लेकिन विज्ञान कहने के उपरांत भी उन्होंने सामान्य और विशेषण लगाया। कुछ बात होगी इसलिए लगाया, लेकिन आज उसके बारे में सोचते हैं तो सामान्य का अर्थ सब सर्वसाधारण उसको ग्रहण कर सके, और विशेष का अर्थ विशेष जो तज्ञ होते हैं उनके लिए कुछ सूत्र, कुछ बिंदु रखे हो, कुछ भी हो, इतना अवश्य है उन वैज्ञानिकों के माइंड में, बुद्धि में कुछ मंथन अवश्य था, इसलिए इन शीर्षकों के माध्यम से किसी का विज्ञान शरीर और विज्ञान। शरीर विज्ञान कहने से भी अपने आप ही व्यक्ति को, जो कोई भी होगा, उसको बाध्य होना पड़ता शरीर और विज्ञान क्या, शरीर का विज्ञान है या शरीर में विज्ञान है। हम तो शरीर का क्यों कहें, क्योंकि शरीर का यदि विज्ञान होता है तो उसमें हमेशा बना रहना चाहिए। शरीर गल जाता है, सड़ जाता है,
मृत्यु की गोद में जब वह व्यक्ति चला जाता है, जीवन के आदि से लेकर के अंत तक जो कुछ भी उन्होंने अर्जन किया उसमें एक अक्षर का भी बोध नहीं रह पाता। वह व्यक्ति भागने वाला, भगाने वाला और बहुत शोध करने वाला, उस व्यक्ति को उठाने के लिए चार व्यक्ति आ जाते हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे पढ़ा हो। मैं इसलिए एक बात कहना चाह रहा हूं, यह जो सभा आप लोगों के सामने है, रविवार सभा अवश्य है, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं, आप लोगों को भी इन बिंदुओं के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जब भले ही आप दुकान में बैठिए कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक के रूप में आता है आपके दुकान में, वह कुछ चाहता है, कुछ लेता है, कुछ सोचता है, कुछ आग्रह करता है, चला जाता है। वह आप परख करके जो माल ले आए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा परख वह करता है। आप बेचने के लिए आए हैं, लाए हैं, ये ध्यान रखें, आप सुन रहे हैं, आप बेचने के लिए लाए हैं, लेकिन वो बेचने के लिए नहीं ले जा रहा है, किंतु वह उसका उपयोग करना चाहता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो व्यक्ति जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है, उसकी परख बहुत पकड़ अच्छी रहती, किंतु जो बेचने के लिए आया है वह व्यक्ति, अरे भैया कहीं भी हो दो टका मिल जाए तो हमारे काम हो जाए। टका समझते हो आप, डॉलर की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग तो डॉलर में डूबे हुए हैं, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, घट जाती है, मुद्रा स्फीति कम हो जाती है, अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह निश्चित बात है कि वह इतनी परख करता रहता है और उपभोग करने के उपरांत भी वो याद रखता है कि कौन सी दुकान से मैंने खरीदी थी, वही चीज पुनः ले आओ, मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने मित्र को और सहपाठी को भेज देता है और उसी वस्तु को ले आना, नहीं है तो खाली आ जाना, क्योंकि उसने उस वस्तु की परख की, आपने उस वस्तु की परख नहीं की। लाए हैं आप, बहुत दूर से ले आए, लेकिन इसमें मिलेगा कितना, उसका उपभोग आपको करना नहीं है। वस्तु विनिमय होता था पहले, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस वस्तु के बिना हम जीवन नहीं चला सकते या आवश्यक है वो वस्तु, तो उसके वस्तु को प्राप्ति कैसे की जाती थी, उसके लिए दूसरी वस्तु दी जाती थी और उस वस्तु को ली जाती थी, जितना उपयोग होता था वह उन वस्तुओं के माध्यम से किया जाता था। आज ये व्यापार होने के कारण आप वस्तु के उपभोक्ता जो तो है ही नहीं, इसलिए उसके कोई आपको चिंता ही नहीं है, उसके द्वारा तो अपने काम होता ही नहीं, केवल पैसा चाहिए। तो अर्थ का विनिमय आज इस संसार के कितने संकट में डाल रखा है मैं नहीं कह सकता। स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थता का अनुभव इसी के कारण कर रहा है, कोई बात नहीं, पैसा ज्यादा हो जाता है, अस्वस्थता को भी निमंत्रण दिया जाता है, जिसके पास पैसा कम रहता है वह अपने यहाँ पे पूर्व दक्षता रखता है। पूर्व दक्षता का मतलब यह है रोग ना आए, इस प्रकार से पहले से सावधान रहता है, हमारे पास बहुत पैसा है, आ जाए तो हम अमेरिका जाकर ठीक करके आ, अच्छी बात है, तो यहाँ पर क्यों नहीं ठीक, नहीं यहाँ पर उसका उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो इसलिए नहीं हो सकते, यहाँ के चिकित्सक अपने से परिचित हैं और डबल जो दाम ले लेता है उसमें कुछ न कुछ खूबी अवश्य होना चाहिए। हाँ, और वह यहाँ के लोग वहां चिकित्सा के लिए जाते हैं, और खूबी तो यह है अमेरिका से कई लोग भारत में आकर के चिकित्सा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ती है चिकित्सा और उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो अमेरिका अच्छा है क्या भारत अच्छा है, तो बताओ भारत, अब अमेरिका आ रहा है आपके पास, हर काम में वह सोच रहा है मुझे खर्च कम करना पड़े और काम हो रहा है तो कहीं भी चले चलो। अर्थ की नीति इस प्रकार घुमा रही है इस विश्व को,
अब चाले कि वह निकट था, मृत्यु निकट थी, अब वह देख रहा है। क्या देख रहा है? प्राण निकलेंगे, दिखते नहीं दिखते। जो आज दिखता है, अभी दिख रहा है, वह नहीं दिखेगा, बस इसका नाम मृत्यु है। देखने में कुछ नहीं आएगा, जो दिख रहा है वह नहीं रहेगा, शरीर उतना ही बना हुआ रहेगा, उतना ही बना हुआ रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे चीजें दिखती थी वह अब नहीं रहेंगे। उनमें से हम एक पॉइंट देना चाहता हूं। शरीर विज्ञान क्या है? शरीर विज्ञान यह है, जब तक शरीर में वो प्राण बने रहते हैं, तब तक ये अवश्य चिन्ह उसके सामने रहेंगे। मृत्यु होते ही जो शरीर में तापमान है वह चला जाए। अरे हाथ पैर उसके ठंडे पड़ गए, अरे उसके हाथ पर ठंडे पड़ गए। क्यों? मृत्यु को सुन करके, मतलब मृत्यु के बाद अवश्य ठंडे पड़ते, ये पक्का हो गया। और जन जन इसको जानता है, भैया जल्दी जल्दी इसको घिसो, सौंठ लगा दो या और कुछ लगा दो, सरसों का तेल लगा दो, ताकि ये गर्म बना रहे। मृत्यु होने के उपरांत आप उसे हीटर से भी तपा दो तो भी वह शरीर में जो सहज रूप से ताप था वह नहीं रहेगा। एक सिद्ध हो गया कि बाहर कुछ भी हो, लेकिन भीतर से प्राण निकलते ही वहां पर ठंडा ही मौसम बनेगा। गर्मी के दिनों में भी हाथ पर ठंडे रहेंगे और -40 में भी तापमान 98 बना रहेगा। इसके बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? इसी का नाम जीव विज्ञान है। इस जीव को आप हाथ से पकड़ नहीं सकते, किसी यंत्र के द्वारा इसको कैद किया नहीं जा सकता, और किसी भी प्रकार से इसके फोटो रेखा चित्र नहीं बना सकते। आज तक का कोई भी यांत्रिक युग में ऐसा आविष्कार हो गया हो तो मुझे बता देना। शरीर का लेना अलग वस्तु है, लेकिन शरीर के भीतर जो प्राण बत्ता है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। पचास तक टेम्परेचर पहुंच जाए गर्मी के दिनों में, और आपका भीतर का वही ज्यों का त्यों 98 बना रहता है। पूछा जाता है, क्या खाते हैं आप लोग? बहुत चीजें तो आग उबल रही है, और फिर भी जो है आप भीतर से 98 बिल्कुल, ये नॉर्मलाइज्ड बोलते हैं, एबनॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। वह 98 बना रहना ये किसका परिणाम है? थोड़े से हम सोच लें। ये मेंटेनेंस, ये व्यवस्था को व्यवस्थित करना इन प्राणों के हाथ में है। जब तक जबलो घट में प्राण ये उपते जब तक है, तब तक आपको बाल बांका नहीं हो सकता। मैं सोचा ये भैया मोटा ताजा है इतना, इसको तो कोई बांका नहीं कर सका, इन बाल को भी नहीं कर सकता, ये क्या हुआ? सुन रहे हैं आप लोग? मैं इसलिए पूछता रहता हूं कि वो 6-6 फुट की व्यक्ति तो है, और बिल्कुल खूब ताजा मस्त है, टमाटर जैसे लाल सुरख है, और उसके लिए कह दे भैया इनका तो बाल बांका नहीं कर सकता, मतलब बाल जिस स्ट्रेट लाइन में है उसको यूं नहीं कर सकता, मतलब
ये इसका अर्थ है। कब तक है? वो जब तक उसके जड़ों में वो प्राणवत्ता बनी रहती है, फिर बाद में तो झुकना ही झुकना है। कितनी व्यवस्था, ये जीव विज्ञान है। ये दो बिंदु बिंदु मैंने इसलिए आपके सामने रखी, हर समय यह आपकी स्थिति शरीर की बनी रहती है। ये जब तक है तब तक आपके लिए सारा सारा मनोरंजन भी है, तन रंजन भी है, वचन रंजन भी है। निरंजन की बात तो कोई कहता ही नहीं है, हम निरंजन की बात कहना चाह रहे हैं। कुछ बातें 10-15 मिनट आपके सामने रखी, लेकिन उस निरंजन आत्म स्वरूप जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस प्रकार के गोतों में हम रहेंगे, इन भटकनों में हम भटकते रहेंगे। ये अवश्य है, बुद्धि हमेशा हमेशा जानने के लिए होती है, ज्ञान हमेशा हमेशा जो जानने योग्य है उसको जानता है। लेकिन आज आप लोगों को जानने योग्य रहा कितना, कितनी सीमा, बहुत संकुचित हो गया है। केवल अर्थ भर रह गया दुनिया में, अभी कुछ जानना भी नहीं और कुछ प्राप्त करना ही नहीं। शिक्षा की बात अभी आपने सुनी, तो शिक्षा अर्थ के लिए नहीं होती, किंतु वह अर्थ के ऊपर भी उठ करके कुछ बताने वाली होती है। वो यदि संस्कार उस बच्चे को पढ़ जाए तो फिर अमेरिका जाने कोई आवश्यकता नहीं, विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर और मांग की कोई आवश्यकता नहीं। बस एक प्रकार से जो वस्तु अपेक्षित है जीने के लिए उसने मिल जाए, फिर वह डेप्थ में जो आत्मविज्ञान है, शरीर में बैठा हो जो आत्म तत्व है, उसके लिए समय काफी उपलब्ध हो जाएगा। और उसके लिए जीवन यदि खर्च करते हैं तो उसका उपभोग, उसका उपयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूमिका गर्भ कल्याण की है, यह गर्भ कल्याण एक भूगर्भ विज्ञान होता है। आप लोगों ही होता है ना? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। तो भूगर्भ विज्ञान है और ऊपर का ज्ञान है और खगोल ज्ञान भी है, सब कुछ है। होते हुए भी अपने इस शरीर के गर्भ में कौन बैठा है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। अब चलिए, ये कहना चाहता हूं कि क्या गर्भ कल्याण मनाने वाले ये जानते हैं? नहीं। जिसके गर्भ में वह जीव आता है यह किसी को ज्ञात नहीं रहता। ये गर्भ हुआ इस किसको ज्ञान होता है? यह एकमात्र ज्ञाता को ही हो सकता है और किसी के वश की बात नहीं है। कुछ चिन्ह होते हैं जिसके माध्यम से आज का शरीर विज्ञान भी इसको पकड़ सकता है, लेकिन आया है नहीं इसके बारे में चैलेंज कोई भी नहीं कर सकता कि नहीं आ गया है। कर्म में आने से पूर्व में कल एक संस्कारों का उपक्रम आप लोगों के सामने आया, फिर इसके उपरांत आज ये दिया। प्रत्येक के जन्म होते हैं, गर्भ होते हैं और मृत्यु, ये तीनों होते ही रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ व्यक्तियों के ऐसे जन्म होते हैं, ऐसे गर्भ होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर कुछ परिदृश्य के माध्यम से दिखाया जा रहा है या उसके बारे में हमें समझना है। सोनागिरी में हमारा आना हुआ था, आज 30-35 वर्ष पूर्व की बात है। सतना बाद में आए, किंतु पहले वंदना वहां के सोनागिरी की जो थी। तो उस समय जिस समय हम राजस्थान जा रहे थे, उस समय की भी मैं बात करना चाहता हूं। तो जा रहे थे, बीच में एक
टेकनपुर एक छावनी है बड़ी, जहां पर मिलिट्री की काफी छावनी बनी हुई है। वहीं से वह रास्ता जाता है तो दिनस्थ होने से एक जैन भाई थे, उन्होंने कहा महाराज यहाँ पर विश्राम आप कर सकते हैं। तो विश्राम के लिए मैं जा रहा था तो उस समय एक स्थान पर हमारी दृष्टि पड़ी, तो उसकी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रासंगिक है, विज्ञान की बात है। और वहां पर लिखा हुआ था श्वान प्रशिक्षण, श्वान प्रशिक्षण। ऊपर श्वान का चित्र है और नीचे प्रशिक्षण लिखा हुआ था। स्तब्ध रह गया। अनेक कॉलेज, अनेक महाविद्यालय, अनेक विश्वविद्यालय और अनेक 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 और विषय, और इसके लिए पूरा वर्ग ये विश्व ही शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। उसके बीच में मैं ये क्या पढ़ रहा हूं, श्वान प्रशिक्षण। शिक्षा के बारे में हमेशा हमेशा यह उत्साह होना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से हम क्या जानते हैं, नोन टू अननोन। पांच इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से जो कुछ भी हम पाते हैं बाहर से, वह सब कुछ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। सोच तो सबकी रहती है, लेकिन जो खाया पिया उठा बैठा सोचा विचार कर यही आते रहते, घूम घूम करके वही वस्तु दिमाग में आती रहती है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से कुछ और होता है जो हमारे लिए युगों युगों से अज्ञात रहता है, उसके बारे में कुछ संकेत मिलते हैं। तो वह प्रशिक्षण दिया जा रहा था, वह लेने वाला शिक्षक, देने वाला तो शिक्षक भले ही हो, लेकिन लेने वाला कौन है आपको सोचना है। कुत्ता है। तब मुझे याद आया, ओहो, जब LLB, जब लॉ में मास्टरी, फिर जज बनने के भूमिकाओं को पूर्ण करके जज बने, और ये IPS आदि आदि, यह शासन प्रशासन विधिवेत्ता आदि आदि, जुडिशियल में भी जब समस्या आ जाती है कि भैया आखिर इसका स्रोत कहाँ से है, कोई भी केस आ गया तो सब लोगों को सर्वप्रथम ज्ञात होना चाहिए, उलझा हुआ यदि समस्या यदि है उलझी हुई तो वह कुत्ते को वहां पर ला करके खड़ा कर दिया। और ये एक सेकंड नहीं होता, वह अपने आप उस ओर मुड़ जाता है और उसकी ओर पुलिस हो जाती है, CID हो जाती है, वो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, अब किस ओर ले जाता। कई लोग सोचते हैं कहीं मेरी ओर तो नहीं ला रहा